पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी ममी, फेराओ और पिरामिड के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है। लेकिन आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बात बेहद रोचक है कि गर्भधारणा से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद, मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है जो शुक्राणुओं को मारता है। मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी जितनी दो दुश्मनों भी आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग होते हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे, वो सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सर पे ना पड़े। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणें, मक्खियों और हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। इसके अलावा ये सूर्य देव होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी मानते थे। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो ममियों को टूथपिक के साथ ही दफना देते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मिस्र के राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को सिर पर वार करके बेहोश कर देते थे और फिर उन्हें दफना देते थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे, लेकिन 10वीं सदी के मध्य में मुसलमानों के हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कोप्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। मिस्र के निवासी गणित में काफी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत तेज हुआ करते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सोने के कारखानों में। विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता था। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे अपनी भविष्य कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया दिया जाता था। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वे बल्कि कलाकार थे। कहा जाता है कि गिजा की पिरामिड पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गिजा का मशहूर पिरामिड ओरियन के बेल्ट के साथ संरेखित है, हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओरियन को मिस्र के पुनर्जन्म के देवता ऑसिरिस से भी जोड़ा जाता था। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन मिस्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
किसी अन्य देश के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।